नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सोनी किचन में। तो आज हम बनाएंगे कुल्हड़ वाली चाय। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये तंदूरी चाय भी इसको बोल सकते हैं। तो किस तरह से इसमें हम स्मोकी फ्लेवर लाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे आज हम ये चाय एकदम यूनिक और एकदम देसी स्टाइल में हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे किस तरह से हमने ये बनाया, आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा उबाल आ रहा है, एकदम झाग झाग ऊपर से ये हमारे कुल्हड़ से पूरी चाय बाहर गिर रही है पतीली में। तो बस आज मैं इसी की रेसिपी आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी चाय एकदम लाजवाब बनी है, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार। आप इसके साथ बंद मस्क आता है ना, उसको सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस चाय को पीने में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुल्हड़ को गर्म कर लेते हैं। गैस को ऑन कर दिया है और ये कुल्हड़ ले लिया, या इसको हम मटकी भी बोलते हैं ना, तो वही इसको गैस में हम थोड़ा गर्म कर देंगे। एक चूल्हे में इसको चढ़ा देंगे और यहाँ पे एक चूल्हे में हम चाय बना देंगे। तो यहाँ पे पैन में मैं लगभग 1.5 गिलास ये दूध डाल दूँगा। आप अपने जितनी क्वांटिटी है आप वो हिसाब से दूध डालिए। यहाँ पे मैं सिर्फ 1.5 गिलास डाल रहा हूँ और इसमें 2 चम्मच ये शुगर डाल दे रहा हूँ। थोड़ी सी अदरक मैंने पहले डाली है इसमें और यहाँ पे ये 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दे रहा हूँ। अदरक थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। तो बस यहाँ पे चाय हमारी उबल कर तैयार हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें उबाल आने लग गए हैं। तो बस इस चाय को अच्छे से पका लेना है पहले एक बार, सिंपल सी, जैसी आप घर पे चाय बनाते हो वैसी चाय हमको यहाँ पे बनाएं। तो बस चाय को छान लेते हैं, चाय हमारी तैयार है ये। तो बस अब इसके बाद इसको हम स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। तो यहाँ पे किस तरह से इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे यही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुल्हड़ हमारा एकदम गर्म, इसको कर लेना है। जितना गर्म ये रहेगा उतनी स्मोकी और डिलीशियस चाय हमारी तैयार होगी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे इसको गर्म करते रहना है कंटिन्यू, हमको गैस में एकदम हीट कर देना है इस कुल्हड़ को। तो अब इसको एक पतीली में ले लेना है, चाय की इसके अंदर की जो चाय बाहर गिरे ना, जिसको हमको पीना, तो पतीली में जमा हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चाय जो हमने छान के ली थी उसको अब ये कुल्हड़ के ऊपर से इससे डाल देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें एकदम उबाल आने लग गया है और ये चाय एकदम बाहर गिरने लग गई है। तो ये चाय एकदम और ज़्यादा पक जाएगी इसमें, और इसमें स्मोकी फ्लेवर, जो मिट्टी का फ्लेवर अभी आएगा इसमें, जो कुल्हड़ है हमारे पास जो मिट्टी का, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये चाय पीने में आप यकीन मानिए इतनी अच्छी होती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस चाय को अपने घर पर इस तरह से बना के। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट करें, ज़रूर बताएं मुझे कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं लेके आता हूँ रहता हूँ ऐसी ढेर सारी रेसिपीज़। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये रेसिपी पहुँचे और वो भी अपने घर पे इस चाय को ट्राई करें। तो यहाँ पे ये इस तरह से अब सर्व कर लेना है, पहले कुल्हड़ से हम छान के इस तरह से इसको चाय, ये सिंपल सा ठंडा कुल्हड़ है, इसको गर्म नहीं करना है, तो इस तरह से इसको सर्व कर देंगे। तो यहाँ पे चाय देख सकते हो हमारी कितनी अच्छी ये बनी है, और इसके ऊपर से झाग भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो बस अब इसको सर्व कर लेना है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक, एकदम विलेज देसी स्टाइल में हमारी ये चाय तैयार है। तो बस यहाँ पे देख सको कुल्हड़ में इसको सर्व करेंगे तो ज़्यादा